हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एट होम कुकिंग में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं पास्ता नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पास्ता नमकीन बनाने के लिए ये मैं पास्ता ले ली हूँ। अब इसको मैं बॉयल करूँगी। इधर मैं पानी रख दी हूँ और इसमें सारे पास्ता को डाल दूँगी बॉयल करने के लिए, और इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल भी डाल दूँगी। तो ये इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, आप चाहें तो ना भी डालें कोई बात नहीं। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे और उसके बाद इस तो इधर जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक हम इसमें जाने वाले मसालों को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे। तो मसालों के लिए हमें इसमें नमक, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा तीखी वाली लाल मिर्च, थोड़ा काला नमक, थोड़ा अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको हम एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे। और अगर आपको चीज़ फ्लेवर देना हो तो इसमें चीज़ पाउडर भी डाल सकते हैं, और मीठा फ्लेवर, मीठा टेस्ट आपको चाहिए तो इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ये मैगी का मसाला है ये भी डाल दूँगी एक पैकेट, इससे थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा इसका नमकीन का। तो फ्रेंड्स, इधर पास्ता बॉयल हो गया है अच्छे से, देख सकते हैं। अब इसको मैं ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करके और इधर मैं रख दी हूँ। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें इसे अच्छे से पानी ये सुखा लेना है, उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब इधर एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ये मैदे, 3 बड़े चम्मच मैदे को डालेंगे, और ये कॉर्नफ्लोर है 2 बड़े चम्मच। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पास्ता जब ठंडा हो जाएगा तो उस पास्ते को इसमें कोट करना है हमें। तो इधर पास्ता जितना मैं रखी थी पानी ड्रेन करके, वो ठंडा हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब इसमें हम ये मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है इसकी कोटिंग करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा कोटिंग कर दी हूँ मैदे और कॉर्नफ्लोर का। और बड़े बर्तन में आप कीजिएगा, मैं छोटा बर्तन ली थी, अभी चेंज करके बड़ा ली हूँ। और इसको अच्छे से कोटिंग करने के बाद अगर आपको ये सूखा लगे तो फिर थोड़ा सा और इस मिश्रण को डाल लीजिएगा, मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिश्रण को थोड़ा सा और डाल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से कोटिंग जब होगा तभी ये क्रिस्पी। देख सकते हैं फ्रेंड, ये अच्छे से कोटिंग हो गया है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो इधर ऑयल गर्म हो रहा है फ्राई करने के लिए। चलिए अब फ्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और आप इसकी कोटिंग में मैदे की जगह चावल का भी यूज कर सकते हैं। मैदे की जगह पे चावल का आटा और ये कॉर्नफ्लोर आप ले सकते हैं। और ये बहुत गर्म तेल में नहीं फ्राई करना है, ये हल्का गर्म हो तभी फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ऐसे करके। हमें लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है फ्रेंड्स, ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो सके। जो मार्केट वाला हमारा चिप्स और ये सब कुरकुरे वगैरह नहीं आता है, वही टेक्सचर होगा इसका भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब हम निकाल लेंगे, इस कलर का होना चाहिए फ्राई। इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे ही करके, हमें सभी को फ्राई कर देना है लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स, निकालने के साथ ही साथ हमें मसालों को भी इस पर छिड़कते जाना है। तो इधर कुछ फ्राई कर ली हूँ मैं, और इसमें मसालों की कोटिंग अच्छे से कर दी हूँ, देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तो आप
तो फ्रेंड्स ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी अच्छे लगते हैं। आप भी अपने घरों में बनाइए और मार्केट से अच्छा आप घर बना के खाइए ये पास्ता नमकीन। और ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।